Good morning, madam. नलायको, हिंदी की कक्षा में कैसे बात करनी है, हमने तुम्हें सिखाया था कि नहीं? सिखाया था मैडम जी। मैडम जी, फिर से अंग्रेजी, मेरी कक्षा में अंग्रेजी? क्षमा करो अध्यापिका जी, सुप्रभात। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, और सब लोग अब अपनी पुस्तकें निकालो। मैडम जी, मैं बुक लाना भूल गया आज। क्या मैडम और बुक बोला, हमारी कक्षा में अंग्रेजी का प्रयोग, तुम्हारी तो। माफी अध्यापिका जी, माफी, गलती हो गई, सॉरी। क्या कहा सॉरी, फिर से अंग्रेजी, रुको। और किसी को कोई समस्या है तो बताओ, वरना अपनी पुस्तकें निकालो। अध्यापिका जी, कल आपने फलों के रंग पढ़ाए थे और याद करके आने के लिए कहा था, ये गुरदीप याद करके नहीं आया। क्या गुरदीप, आज हम देखते हैं तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। अध्यापिका जी, ये झूठ बोल रही है। अच्छा अध्यापिका जी, इससे पूछो संतरा किस रंग का होता है। बस इतनी सी बात, संतरा तो ऑरेंज कलर का होता है, ये कितना आसान है याद करना, ऑरेंज फ्रूट का कलर भी ऑरेंज। हमारी कक्षा में अंग्रेजी। बच्चों, चीटिंग मत करो, चुपचाप एग्जाम दो। क्या क्या बात कर रही हो रेशमा मैम, मेरी क्लास में चेकिंग वाली टीम आ रही है। ठीक है। बच्चों, जिसके पास भी कॉपी बुक कुछ भी चीटिंग का सामान हो सब निकाल फेंको, क्योंकि चेकिंग वाली टीम आ रही है। मेरी क्लास में चीटिंग करने चले थे, ऐसा प्लान बनाया कि सबने खुद ही चिट बाहर निकाल के फेंक दी अपनी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ, जल्दी से बैठो, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम आ रहे हैं, और कॉपी निकालो जल्दी जल्दी। बट मैम, आज तो क्वेश्चन सॉल्व कराने थे अपने मैथ्स के। हाँ तो ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट लिखो अपनी नोटबुक में, सिलेबस कंप्लीट करना है। मैम, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैम, अभी हमने लिखा नहीं। क्या इतना स्लो, बस 3 तक गिनूंगी, उसके बाद रब कर दूंगी। 1, 2, 3। a² + b² = अरे मैडम जी, आंसर तो रही गया। अरे वो वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, चलो आगे करते हैं। मैडम जी, होमवर्क ही कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन भी। कितना होशियार बच्चा है, एक बार समझाने में ही सारा समझ में आ गया। चलो मैं दूसरी क्लास में जा रही हूँ, मुझे उनका भी सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अरे वाह, आज तो गेम्स का पीरियड है, खूब मजा करेंगे ग्राउंड में। हाँ हाँ, चल चल ग्राउंड में चलते हैं, गेम्स वाले सर भी वहीं होंगे, चल। कहाँ जा रहे तुम सब? सर, आप यहाँ पे? लगता है सर गलती से आ गए होंगे, वैसे भी ना मैथ पढ़ा पढ़ा के सर का दिमाग ज्यादा ही चल गया। ए बकवास बंद करो तुम दोनों, बताऊँ तुमको अभी,
का गलती है, का दिमाग में गलती है हमारे? सर इसका मतलब था कि अभी तो हमारा गेम्स का पीरियड था ना, और आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। हाँ आज तुम्हारे गेम वाले सर नहीं आए हैं, तो उनकी जगह आज मैं क्लास लूंगा, यानी तुम्हारे मैथ वाले सर। क्या? हाँ तुम्हारे अगले पीरियड की हिंदी वाली मैडम भी नहीं आई है, वो पीरियड भी हम ही लेंगे। चलो जल्दी से अपनी अपनी मैथ्स की किताबें निकालो, चलो शुरू हो जाओ। मर गए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ ठीक है ओ लड़के इधर आ जल्दी, ये बैग वैग पकड़ वहाँ टेबल पे रख, मैडम बहुत थक गई है। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है, जा जाके मैडम के लिए पानी लेकर आ। बच्चों जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दो, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, और अभी मैं सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगी, जिसने भी जवाब नहीं दिया उसे एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा। ओए माँ। ए लड़के इधर आ। यस मैडम। ये रही, ये ले जल्दी से इन्हें छील दे, मैडम के घर मेहमान आने वाले हैं, थोड़ी मैडम की मदद हो जाएगी। लेकिन मैडम मैं तो पढ़ाई कर रहा था। बेटा गुरु की सेवा ही सबसे बड़ी शिक्षा होती है, जा छील दे इन्हें जाके। और तू जल्दी से इधर आ। ये ले ये बैग ले जा, इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हैं, अच्छे से तह लगा दियो इनको, जा ले जा ले जा अपनी सीट पे ले जा। हेलो। हाँ मौसी जी कौन सी ट्रेन से आ रही हो? अरे नहीं नहीं अभी तो खाने की तैयारी चल रही है, तुम आराम से आ जाओ। चलो जल्दी से अपनी होमवर्क कॉपी निकालो, और तू जल्दी से आके अपनी होमवर्क कॉपी चेक करवा। कहाँ है? मैडम वो होमवर्क कॉपी लाना भूल गया। होमवर्क कॉपी लाना भूल गया? अच्छा खाना खाना नहीं भूलता तू? सॉरी मैम। सॉरी खाना खाना नहीं भूलता तू? सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा आगे से ध्यान रखोगे, खाना खाना नहीं भूलता तू? जा सीट पे जाके बैठ अपनी। तुम बेटा इधर आना जरा। बेटा तुम्हारी फीस नहीं आई अब तक, मैंने तुम्हें बोला था ना मम्मी डैडी को बोलना आपने, तुमने बोला? मैम वो मैं भूल गई। वाह भूल गई, खाना खाना नहीं भूलते तुम? हाँ मैम आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ तुम बस खाना खाना ध्यान रखोगी, बाकी कुछ याद नहीं रखोगी तुम। जाओ बैठ जाओ अपनी सीट पे। बेटा तुझे मैंने स्टाफ रूम में बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? मैम भूल गया। भूल गए बस, ये बहाना सबसे बढ़िया है, खाना खाना नहीं भूलते तुम? हाँ सॉरी मैम। सॉरी ऊपर से सॉरी और बोल दो। ओए तूने टॉयलेट करके फ्लश भी नहीं दबाया और हाथ भी नहीं धोए क्यों? अरे यार भूल गया। हाँ भूल गए, हाथ धोना भी भूल गए और फ्लश दबाना भी भूल गए, कुछ याद नहीं रहता, खाना खाना नहीं भूलते तुम। चलो निकलो अपनी क्लास में। अबे यार स्वीटी मैम ने ना परेशानी कर रखा है, जब देखो खाना खाना तो नहीं भूलते, खाना खाना तो नहीं भूलते। पापा से कह के ना स्कूल ही छुड़वा दूंगा, थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। अबे यार लाइट बंद करनी तो भूल ही गया। खाना खाना तो नहीं भूलते तुम, लाइट बंद करना भूल गए। अरे मैम। बच्चों तुम सबके एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। रोल नंबर वन। यस मैम। फेल हो गए हो तुम, कैसी पढ़ाई कर रहे हो? इस सब्जेक्ट में तो मैं अपने जमाने में टॉप करती थी। तो मैडम आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया होगा ना? क्या बोला? वो मैम मैं अगली बार अच्छे से पढ़ के आऊंगा। रोल नंबर टू। यस मैम। देखो इससे सीखो, फुल मार्क्स आए हैं इसके, कितना मन लगा के पढ़ता है, कितना अच्छा बच्चा है। क्या फुल मार्क्स? वाओ यस।
किससे सीखो, किससे पूछो, कहाँ पढ़ता है, किससे पढ़ता है, कौन सी ट्यूशन जाता है। मैं तो मैम के ही ट्यूशन जाता हूँ। क्या मैम, ये आपके ट्यूशन आता है, इसलिए आपने इसे पास किया है ना? क्या बकवास कर रहा है, स्कूल से बाहर निकलवा दूं तुझे? नहीं मैम, मैं तो कह रहा था मुझे भी पास करवा दो, कल से मैं भी आपकी ट्यूशन आऊंगा। पक्का? यस मैम। मैम कल से मैं भी आपकी ट्यूशन आऊंगी, फिर आप मुझे भी पास कर देना। मैम मैं गो टू टॉयलेट। नो, कहीं नहीं जाओगी तुम। अच्छा मैम, पानी पीने तो चली जाऊं? एक बार बोला ना, कहीं नहीं जाओगी। चलो जल्दी से आके यहाँ पे मुर्गी बनो। क्या मुर्गी? लेकिन मैम मैंने क्या किया? अबे तूने मैडम की ट्यूशन की फीस नहीं दी ना, इसलिए मैडम तेरे साथ ऐसा कर रही है। एक काम कर, नोटबुक में पैसे रख के ले जा और मैडम को घूस दे दे, फिर देख कैसे तेरे को वॉशरूम भी जाने देगी और बाकी जगह भी जाने देगी। मैम मैं गो टू टॉयलेट। तो फिर अच्छा, तो तुम्हें टॉयलेट जाना है, ठीक है बेटा तुम टॉयलेट चले जाओ। तुम्हें घर जाना है तो तुम घर भी चले जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ जाओ। जाओ पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, इसको देखिए राधा बन गया। अबे चल दे, अबे हट। ए शोर कौन मचा रहा है, कौन मचा रहा है शोर? मथुरा। अच्छा मेरी क्लास में शैतानी, मेरी क्लास में बदमाशी। चल जल्दी से मुर्गा बन। लेकिन मैम मैं गलती से गिर गया। उठ रहा है, बताऊं अभी? यस मैम, यस मैम। कौन खा रहा है खाना? ओए माँ। मैंने कहा मेरी क्लास में खाना कौन खा रहा है? तुम मथुरा। अच्छा मुझसे झूठ बोलता है, अपनी मैडम से झूठ बोलेगा? चल जल्दी से इधर आ और मुर्गा बन। सॉरी मैम, गलती हो गई, सॉरी। कोई गलती नहीं, चल जल्दी से इधर आ और मुर्गा बन जा। चलो जल्दी से आ गया हो और मुर्गा बन जाओ। तो स्टूडेंट्स आज सरप्राइज टेस्ट है, सब तैयार हो ना? यस सर। ओए आज सरप्राइज टेस्ट है, तू पढ़ के आई है? नहीं। और तू? नहीं। अब क्या करें? आइडिया देख, अभी मैं कैसे सर को गप्पे लड़ाने में उलझा देती हूँ। चलो सब बच्चे नोटबुक्स निकाल लो, सब टेस्ट के लिए रेडी? हाँ सर रेडी। सर टेस्ट से याद आया, आप कल पैथोलॉजी लैब के बाहर दिखे थे, सब ठीक तो है ना? अरे स्वीटी बेटा क्या बताऊँ, डॉक्टर ने मेरी सासू माँ का पॉटी टेस्ट कराने के लिए बोला था, बस मैं और मेरी धर्म पत्नी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे टेस्ट कराने के लिए। अरे सर पॉटी टेस्ट था तो पॉटी को साथ ले जाते, सास को क्यों ले गए? वो पॉटी है क्या? अबे घोचू, वो पॉटी करेंगे तभी तो टेस्ट होगा ना। सर आप इसे छोड़ो, आप आगे पढ़ाओ। हाँ तो स्वीटी बेटा हम 3 दिन से रोज वहीं जा रहे हैं, सासू माँ सैंपल वाली शीशी में पॉटी का निशाना ही नहीं लगा पा रही है और डॉक्टर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे सर आप वो सब छोड़ो, सरप्राइज टेस्ट लो। हाँ ये देखो इस बदमाश बच्ची ने मुझे बातों में उलझा दिया है, चलो आज मैं तुम्हारा साइंस का सरप्राइज टेस्ट लूंगा। अबे यार सर तो टेस्ट ले रहे हैं, कुछ कर। ओहो क्या हुआ स्वीटी बेटा?
अरे कुछ नहीं सर, वो बाहर से ना ज्योग्राफी वाली मैडम जा रही थी, आज तो उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे हैं, क्या गजब लग रही थी, तो मुंह से निकल गया बस। ओहो है? क्या बात कर रहे हो, ज्योग्राफी वाली मैडम गुप्ता? वो तो वेस्टर्न में एकदम लग रही होंगी। छुट्टी हो गई सर, सरप्राइज टेस्ट। आज सरप्राइज टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि हमने बातों में सर को उलझा जो दिया। बेटी नारायण, तूने मुझे बातों में उलझा के रखा ताकि टेस्ट ना हो पाए, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर, आप कर लो पिटाई, फिर मैं सबको बता दूंगी कि आप ज्योग्राफी वाली मैम पे लाइन मारते हो। अरे स्वीटी बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम्हें कोई हाथ लगा सकता है क्या पूरे स्कूल में? मैं चलता हूँ, स्टाफ रूम में जाना है, थोड़ा अर्जेंट काम है। अच्छा ध्यान रखना, टेस्ट वेस्ट होता रहेगा। नमस्कार। हे गाइस, अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। और गाइस, हमारी तरफ से आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे।